हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक गरम मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आप सभी अपने घरों में गरम मसाला ज़रूर बनाते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं अपना तरीका बता रही हूँ, मैं किस तरह से गरम मसाला स्टोर करके रखती हूँ। ये मैंने साबुत मसालों का एक मिक्स पैकेट लिया है, जिसमें हर तरह के मसाले हैं। नॉर्मली हमको पता नहीं होता है कि गरम मसाले के लिए कौन कौन से मसाले लगते हैं, तो उनके लिए ये तरीका अच्छा है कि आप किराना शॉप पे मिक्स गरम मसालों का पैकेट लीजिए। इसमें जीरा नहीं है तो इसे मैं अलग से ऐड कर ले रही हूँ, तो मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सारे मसालों को मैं कढ़ाई में खाली कर रही हूँ। इसे साफ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गैस ऑन करके इसे हम भून लेंगे। अगर ज़्यादा बड़े टुकड़े दिखें आपको तो उसे तोड़ लीजिए। ये बहुत आसान तरीका है उन लोगों के लिए जिन्हें आइडिया नहीं रहता है कि गरम मसाले के लिए कौन कौन से मसाले लगते हैं। तो बस आपको ये मिक्स साबुत गरम मसालों का पैकेट लाना है और उसे भून कर आप पाउडर बनाकर रख सकते हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, गैस को अब ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ये देखिए, मसाला पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब हमें इसका पाउडर तैयार करना है। तो एक सूखा हुआ मिक्सिंग जार लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए, और सारे मसाले को मैं इसमें डाल ले रही हूँ। इसका अब हम बारीक पाउडर तैयार करेंगे, तो इसे अब पीस लेना है। थोड़ा सा टैप कर लीजिए ताकि मसाला पाउडर गिरे ना। और ये देखिए, गरम मसाला बनकर तैयार हो गया। इस मसाले को एक एयरटाइट बर्तन में स्टोर करके रखिए, पानी मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप इसे वेज, नॉन वेज, बिरयानीज, कोई भी रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही शानदार रहती है। और ये देखिए, हमारा झटपट गर्म मसाला बनकर तैयार हो गया। मैं इस पर लेबल भी दे रही हूँ, तो इस प्रकार से मैंने एक लेबल बना लिया है कागज पर लिख कर, और इस पर एक सेलो टेप चिपका कर मैं इसे जार पर चिपका रही हूँ। इससे मुझे ढूंढने में भी आसानी होती है, और सारे मसाले के डब्बों को मैं इसी तरह से लेबल करके रखती हूँ, तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। और ये हमारा इंस्टेंट गरम मसाला बनकर तैयार हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।